डबल डबल धमाका फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों फिल्मों के लिए और किस प्रकार का आपका किरदार है इन दोनों फिल्म में? बड़ा डिफरेंट है, एक हाथ नजर आया, वो हाथ किसका था? जुबेर खान का था, किसी और का हाथ था? जी जुबेर खान, देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी मच ऑनर्ड कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे इस फिल्म के लिए मौका दिया और इतना भरोसा जताया कि मैं इतने अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर्स को निभा सकूँ। और बेस्ट पार्ट ये है कि 1+1 मुझे फिल्म का ऑफर हुआ और मुझे लगता है कि एक साथ एज एन एक्टर अगर कोई प्रोड्यूसर आप पे ट्रस्ट करता है फॉर कंटिन्यूसली फॉर टू फिल्म बैक टू बैक, सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बिकॉज अभी जैसे मेरी बहुत सारी फिल्म्स पोस्ट में चली गई हैं और मैं चाहता हूँ कि जितना अच्छे से मैंने अभी प्रीवियस फिल्म्स में काम किया है, एक नई शुरुआत करूँ, एक नया जॉनर में जाऊँ। और संजीव सर के साथ में मैंने ऑलरेडी एक हॉरर फिल्म की थी, हॉन्टेड हिल्स, विच गॉट रिलीज लास्ट ईयर ओनली, एंड विद टचवुड उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है, नेटफ्लिक्स उस फिल्म को अभी ले रही है, तो उनके साथ तो मुझे काम का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या VFX में होने वाला है, क्या डायरेक्शन में होने वाला है। और बहुत खुशनसीब हूँ कि 1+1 दो फिल्मों का अनाउंसमेंट मेरे साथ में एक साथ हुआ, और बिकॉज अंजू के साथ में मैं ऑलरेडी दोस्ती के साइड इफेक्ट कर चुका हूँ, तो जब मुझे डायरेक्शन मिला एंड पता लगा कि अंजू यादव ये कैरेक्टर कर रही है मेरे अपोजिट, तो आई वॉज मेरी खुशी डबल हो गई क्योंकि हमारा बॉन्ड था दोस्ती के साइड इफेक्ट में, हम लोग बहुत जल्दी शूट किया था, तो मैंने मौका नहीं छोड़ा और सोचा कि उसको बना लिया जाए। सो आई होप फिंगर क्रॉस। बस 2020 तो सबके लिए काफी यही कहते हैं मतलब ना कठिन था, लेकिन जुबेर के खान के लिए बहुत ही क्या कहते हैं ना, 2-3 फिल्में तो हाल ही में हमने देखा आपने मुहूर्त कर लिया, तो आपके लिए तो मेरे ख्याल से 2020 लकी रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? टच वुड मैं बोलूं कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ 6-7 महीने मैंने शूटिंग नहीं की, बट उससे पहले मैंने रात मेरी सबसे पहली 2021 की राजीव वाले की धड़के दिल बार बार आ रही है, मेरे न्याय द जस्टिस ऑन सुशांत वो फिल्म मेरी कंप्लीट हो गई है, वो पोस्ट में चली गई है। रिसेंटली अगर तुम मिल जाओ एक और फिल्म है सेम प्रोड्यूसर्स ऑफ धड़के दिल बार बार, उनके साथ मैं कोलकाता में फिल्म करके आया, और फिर अभी रिसेंटली धनंजय अनाउंस हुई थी, जैसे इट्स अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड वेंचर, सो आई एम एज एन एक्टर सीकिंग फॉर डिफरेंट वेरिएशंस एंड आई एम सीकिंग के मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकूँ हर एक फिल्म में, क्योंकि सर ने भी मुझे जब ये रोल ऑफर किया था और जब सर का नरेशन था, क्योंकि संजीव सर के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ तो उनका कहना ही मेरे लिए कन्विंसिंग होता है, और वो उसके बाद ऊपर से अंजू है फिल्म में तो मुझे पता है हाउ गुड शी इज़ अ परफॉर्मर, यू नो, तो इस वजह से। और बेस्ट पार्ट एक बात मैं बताता हूँ, ये गोताखोर जो फिल्म का नाम है, दूसरी फिल्म है, बिकॉज आई एम वेरी फाउंड ऑफ स्विमिंग एंड मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करता हूँ टच वुड, तो मैं बहुत ज़्यादा वाटर किसको बोलो वाटर लविंग हूँ, तो अंडर वाटर एंड ऑल दैट, तो जब मुझे कॉन्सेप्ट सुना और इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो आपको थ्रिलिंग, आपको ड्रामा, आपको परफॉर्मेंस, बहुत सारा कुछ एक चीज़ में करने का मौका मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जितना टैलेंट मेरे अंदर है, मैं जितना ऊपर वाले ने मुझे टैलेंट दिया है, वो तब जब यहाँ से जाऊँ तो सारा टैलेंट यहाँ निचोड़ के जाऊँ तो डिफरेंट है, और क्योंकि हॉन्टेड हिल्स हॉरर जॉनर की थी, वो ऑलरेडी कर ली थी मैंने, तो मुझे पता है कि हॉरर में तो सर सुपर्ब हैं, और जब ये गोताखोर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैंने कहा सर 1+1 और इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो लेट्स मेक अ फिल्म एंड आई एम टच वुड आई एम हैप्पी। अंजू जी आप क्या कहना चाहें, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप भी दो फिल्म कर रही हैं, धमाका कर रही हैं, आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अपने किरदार को लेके, फिल्म को लेके कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया गया, और जैसे फिल्म आपने पोस्टर देखा होगा कि हॉरर जोन की ये मूवी है, इसमें मैं शिल्पी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि काफ़ी हम काफ़ी मुझसे भी रिलेटेड है, और जैसे फर्स्ट टाइम मैं हॉरर मूवी कर रही हूँ तो ये एक एक्सपीरियंस ही अलग होगा जो मैं अभी एक्सपीरियंस करने वाली हूँ आगे, और जो सेकेंड मूवी है गोताखोर वो भी एक रियलिस्टिक स्टोरी के ऊपर डिपेंड है, थोड़ी मिलती जुलती है उससे, तो बस हम पुरानी फिल्मों में मिलता है ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली फिल्मों में 2020 हमारे नाम जी 2020 निकाल लिया बस, एंड एवरीवन हैज सर्वाइव्ड एंड आई एम
वेरी हैप्पी और दिल से सच में जब भी मैं कोई भी मीडिया से इंटरेक्शन कर रहा हूँ और कहीं भी बाहर पब्लिक गैदरिंग में जा रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि हम लोगों ने मिलके इतनी बड़े वॉर को ओवरकम किया है एंड एवरीवन इज लिविंग द ओन लाइफ नाउ एंड वी टच वुड अब वापस से सब आए हैं और वापस से एकजुट होके अच्छा काम करेंगे, इंडस्ट्री साथ में होके बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। डेफिनेटली सुशांत का बर्थडे कल रात को मनाया गया जी, कैसे देखते हैं अगर सुशांत अपने बीच होता तो? देखिए मैं 90 डेज मैंने वो रोल अभी जिया है और 3 महीने से वो फिल्म शूट कर रहा था और कई बार रोया हूँ जब सीन्स खुद कर रहा था, तो आई हैव फेल्ट हिम इनसाइड मी एंड वो पेन मैं नहीं बता सकता। तो बिकॉज सुशांत वॉज माई डियर फ्रेंड 5 साल पहले और जब भी अभी तक मीडिया से इंटरेक्शन हुआ है मैंने हमेशा यही बोला है कि बहुत एनर्जेटिक एंड ही वॉज वेरी इंस्पिरेशन फॉर एवरी वन एंड मेरे को मुझे टीवी करवाने के लिए गाइड करने के लिए बिकॉज वी आर जिम बडीज और हमारे साथ में एक ट्रेनर हुआ करते थे और बिकॉज मुझे एक्टिंग, मुझे मार्शल आर्ट्स, मुझे डांसिंग बहुत सारी चीज़ें सुशांत ने सिखाई थी। तो मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ न्याय द जस्टिस इज़ द ट्रिब्यूट फ्रॉम जुबैर टू सुशांत बिकॉज मैं चाहता था कि मैं अपनी एक्टिंग से कुछ ना कुछ करके दिखाऊँ, तो हिम्मत नहीं हुई और बस दिली दिल में विश कर दिया मैंने, इवन आई हैवंट पोस्टेड एनीथिंग बिकॉज अभी मेरा दिल से मैंने जो फिल्म की है और जी जान से मैंने वो कैरेक्टर जिया है, जी जान से मैंने पूरी कोशिश की है कि उस फिल्म में वो उसका उस इतने नेक इंसान का कुछ 10% लोगों तक दिखाऊँ और बिकॉज इट्स अ इंस्पिरेशन काइंड ऑफ कैरेक्टर महेंद्र सिंह जो मैंने फिल्म में किया है। तो बहुत यादें हैं और बहुत बुरा लगता है, लोग उस चीज़ का कभी कभार कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं बट पर्सनली जो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स आए हैं बट आई ऑलवेज टुक इट पॉजिटिव, आई ऑलवेज ट्राई कि अब क्योंकि फिल्म रिलीज पे है 1-2 महीने के बाद ये फिल्म रिलीज पे होगी तो मैं यही कोशिश करूँगा कि जहाँ भी हो जहाँ से भी देखे बस तारीफ करे और प्यार दे और खुश हो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।